योहन्ना का पहला आम खत पहला बाब उस ज़िंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आँखों से देखा बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ ये जिंदगी ज़ाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं ताकि तुम भी हमारे शरीक हो और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यसु मसीह के साथ है और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो यह है कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यस्सू का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है अगर हम कहें कि हम बेगुना हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है आमिर योन्ना का पहला खत उसका दूसरा बाब ऐ मेरे बच्चों ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है यानी या रास्तबाज और वही हमारे गुनाहों का कफारा है और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं हाँ जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं तो चाहिए कि यह भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था ए अजीजो मैं तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं लिखता बल्कि वही पुराना हुक्म जो यस्सू से तुम्हें मिला है ये पुराना हुक्म वही कलाम है जो तुमने सुना है फिर तुम्हें एक नया हुक्म लिखता हूँ और यह बात उस पर और तुम पर सादिक आती है क्योंकि तारीखी मिटती जाती है और हकीकी नूर चमकना शुरू हो गया है जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ और अपने भाई से अदावत रखता है वो अभी तक तारीख़ी ही में है जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वह नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाने का लेकिन जो अपने भाई से अदावत रखता है वो तारीकी में है और तारीकी ही में चलता है और ये नहीं जानता कि कहाँ जाता है क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं ऐ बच्चों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह मुआफ हो बुजुर्गो मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो इब्तदा से है उसे तुम जान गए हो ऐ जवानों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो ऐ लड़कों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बाप को जान गए हो ऐ बुजुर्गो मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो इब्तदा से है उसको तुम जान गए हो ऐ जवानों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में क़ायम रहता है और तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती है लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा ए लड़को ये आखिर वक्त है और जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ मसीह आने वाला है उसके मुआफिक अब भी बहुत से मुखालिफ मसी पैदा हो गए हैं इससे हम जानते हैं कि ये अखीर वक्त है वो निकले तो हम ही में से मगर हम में से नहीं थे इसलिए कि अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते लेकिन निकल इसलिए गए कि ये जाहिर हो कि वो सब हम में से नहीं है और तुमको की तरफ से मसा किया गया है और तुम सब कुछ जानते हो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सच्चाई को नहीं जानते बल्कि इसलिए कि तुम उसे जानते हो और इसलिए कि कोई झूठ सच्चाई की तरफ से नहीं है कौन झूठा है सिवा उसके जो तो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है मुखालिफ मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप नहीं है जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी है जो तुमने शुरू से सुना है वही में कायम रहे जो तुमने शुरू से सुना है अगर वो तुम में कायम रहे तो तुम भी बेटे और बाप में कायम रहोगे और जिसका उसने हमसे वादा किया वो हमेशा की जिंदगी है मैंने ये बातें तुम्हें उनकी बाबत लिखी हैं जो तुम्हें फरेब देते हैं और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम में कायम रहता है और तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और सच्चा है और झूठा नहीं और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उसी तरह तुम उसमें कायम रहते हो गर्ज ए बच्चों उसमें कायम रहो ताकि जब वो जाहिर हो तो हमें दलेरी हो और हम उसके आने पर उसके सामने शर्मिंदा ना हो अगर तुम जानते हो कि वो रास्तबाज है तो ये भी जानते हो कि जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वो उससे पैदा हुआ है आमेन योहन्ना का पहला आम खत और उसका तीसरा बाब देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए और हम हैं भी दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना अजीजों हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक यह जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है जो कोई गुनाह करता है वो शरा की मुखालफत करता है और गुनाह शरा की मुखालफत ही है और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए और उसकी जात में गुनाह नहीं जो कोई उसमें कायम रहता है वो गुनाह नहीं करता जो कोई गुनाह करता है ना उसने उसे देखा है और ना जाना है अः बच्चों किसी के फरेब में ना आना जो रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है जो शख्स गुनाह करता है वो इबलीस से है क्योंकि इबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि इबलीस के कामों को मिटाए जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है इसी से खुदा के फर्जंद और इबलीस के फर्जंद ज़ाहिर होते हैं जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से मुहब्बत रखें और कायन की मानद ना बने जो उस शरीर से था जिसने अपने भाई को कत्ल किया और उसने किस वास्ते उसे कत्ल किया इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम रास्ती के थे ए भाइयों अगर दुनिया तुमसे अतावत रखती है तो ताज्जुब ना करो हम जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है जो कोई अपने भाई से अतावत रखता है वो खूनी है और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की ज़िंदगी मौजूद नहीं रहती हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फ़र्ज है जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मोहताज देकर रहम करने में दरेख करे तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर हो सकती है ए बच्चों हम कलाम और जुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत करें इससे हम जानेंगे कि हक के हैं और जिस बात में हमारा दिल हमें इल्ज़ाम देगा उसके बारे में हम उसके हुजूर अपने दिल जमाई करेंगे क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है एजीज़ों जब हमारा दिल हमें इल्ज़ाम नहीं देता तो हमें खुदा के सामने दलेरी हो जाती है और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है क्योंकि हम उसके हुक्मों अमल करते हैं और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं और उसका हुक्म यह है कि हम उसके बेटे यसु मसीह के नाम पर ईमान लाए और जैसा उसने हमें हुक्म दिया उसके मुआफिक आपस में मोहब्बत रखें और जो उसके हुक्मों पर अमल करता है वो इसमें और ये उसमें कायम रहता है और इसी से यानी उस रूह से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह में कायम रहता है आमीन योहन्ना का पहला आम खत और उसका चौथा बाप अजीजों हर एक रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यस्सु मसीह मुजस्म होकर आया है वो खुदा की तरफ से है और जो कोई रूह यस्सु का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं और यही मुखालिफ मसी की रूह है जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है ए बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है वो दुनिया से हैं इस वास्ते दुनिया किसी कहते हैं और दुनिया उनकी सुनती है हम खुदा से हैं जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता इसी से हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं ए अजीजों आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता क्योंकि खुदा मोहब्बत है जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को भेजा अजीजो जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई है चूँकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है इससे हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मनजी करके भेजा जो कोई इकरार करता है कि यस्सु खुदा का बेटा है खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है इसी सबक से मोहब्बत हम में कामिल हो गई है ताकि हमें अदालत के दिन दलेरी हो क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं मोहब्बत में खौफ नहीं होता बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है क्योंकि खौफ से अज़ाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में काबिल नहीं हुआ हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और वो अपने भाई से अतावत रखे तो झूठा है क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता और हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मोहब्बत आमिर का पहला आम खत और उसका जिसका यही मान है कि ही मसीह है वो खुदा से पैदा हुआ है और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है जब हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो इससे मालूम हो जाता है कि खुदा के फर्जंदों से भी मोहब्बत रखते हैं और खुदा की मोहब्बत यह है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वह दुनिया पर गालिब आता है और वो गलबा जिससे दुनिया मकलूब हुई है हमारा ईमान है दुनिया का मकलूब करने वाला कौन है सिवा उस शख़्स के जिसका ये ईमान है कि यु खुदा का बेटा है यही है वो जो पानी और ख़ून के वसीला से आया था यानी यसु मसीह वो न फकत पानी के वसीला से बल्कि पानी और खून दोनों के वसीला से आया था और जो कोई गवाही देता है वह रूह है क्योंकि रूह सच्चाई है और गवाही देने वाले तीन हैं रूह है। और पानी और खून ये तीनों एक ही बात पर मुत्तफिक हैं जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही तो इससे बढ़कर है और खुदा की गवाही यह है कि उसने अपने बेटे के हक में गवाही दी है जो खुदा के बेटा पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी है ईमान नहीं लाया और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखीं कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है अगर कोई अपने भाई को ऐसा गुना करते देखे जिसका नतीजा मौत ना हो तो दुआ करे खुदा उसके वसीला से जिंदगी बख्शेगा उन्हीं को जिन्होंने ऐसा गुनाह नहीं किया जिसका नतीजा मौत हो गुनाह ऐसा भी है जिसका नतीजा मौत है उसकी बाबत दुआ करने को मैं नहीं कहता है तो हर तरह की नारास्ती गुनाह मगर ऐसा गुनाह भी है जिसका नतीजा मौत नहीं हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो तो गुनाह नहीं करता बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ और वो शरीर उसे छूने नहीं पाता हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है और यह भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में हैं हकीकी खुदा और हमेशा की ज़िंदगी यही है ऐ बच्चों अपने आप को बूतों से बचाए रखो हमें